आपका। अच्छा, ये एक व्हाट्सएप बिजनेस का कुछ मैसेज आया हुआ। हाँ, उसी प्रकार मिला होगा जो व्हाट्सएप पे आपको केवाईसी नोटिफिकेशन मिलेगा ना जी। तो उसमें देखो 6 अंक का नंबर है केवाईसी अपडेट का। नहीं सर, तो फिर वो आपको नंबर हम क्यों बताए, क्योंकि ये तो फिर कुछ अलग ही नंबर से दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो है 57 59 कुछ दिखा रहा है, यहाँ तो जियो का कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ तो उसमें नहीं दिखेगा सर, उसमें आपको व्हाट्सएप पे मतलब केवाईसी फॉर्म मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा कहाँ है, व्हाट्सएप पे भी तो है जियो का, लेकिन वहाँ पे तो एक। और जब मैं वीडियो बनाने के लिए आया ना छत पे, मतलब लाइट का कुछ इशू चल रहा है, तो सोचा मैं आउटडोर में वीडियो शूट कर लेता हूँ। और मैं अपना सेटअप आउटडोर में लगा लिया, और जब भी मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, उसी टाइम मेरे को एक कॉल आ गया 11:06 पे, और नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा था वहाँ पे। मतलब ये बंदा मेरे साथ ना फ्रॉड कर रहा था। अभी आप सुने होंगे किसी का चैनल हैक हो रहा है, किसी का इंस्टाग्राम आईडी, किसी का फेसबुक पेज, मतलब तरी तरीके से अभी जो है फ्रॉड चल रहा है। और आज मेरे साथ भी यही कुछ हुआ, ठीक है। तो मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग इधर स्टार्ट किया, मेरे को कॉल आ गया, ठीक है। कॉल आ गया तो उसका ना टोन से मेरे को लग गया कि ये बंदा ना मतलब कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि कस्टमर केयर इस तरीके से फोन नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे को इस थोड़ा सा नॉलेज था इसके बारे में, इसीलिए मैं बच गया। अगर मेरे जगह पे और कोई होता, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि भाई कंपनी आपको कॉल करके ये केवाईसी करने बोला गया, ये इस तरीके से नहीं पता रहा था, मेरे को इस तरीके से बोला गया। बाकी आप लोग को हो सकता है कुछ और भी लालच दिया जाएगा, और भी कुछ के बारे में बताया जाएगा, बट मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। बट आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा ना आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि हो सकता है ये आज मेरे को फ्रॉड कर रहा था, कल आपके साथ हो सके या किसी और के साथ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसीलिए इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। और ये मेरे को ना 11:06 पे कॉल किया और मेरे को बोला कि आपके नंबर पे जो है ई केवाईसी मतलब जो है किया जाएगा, और उसके वजह से अगर आप नहीं करवाएंगे, आपको एक मैसेज भेजा गया है ई केवाईसी के लिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नंबर जो है बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और मेन बात ये है कि मेरा वो नंबर ना पर्सनल नंबर है, उसी से मेरा व्हाट्सअप अकाउंट वगैरह सारा कुछ मेरा उसी से है, मेरा उसी से सारा कुछ मेरा चलता है, ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने वाला, तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था। और मैं इस वीडियो में ना आपको पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, और साथ में ना एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कंपनी इस तरीके से नहीं करता, और ये मेरे साथ जो किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है। तो मेरे पे व्हाट्सअप बिजनेस पे इसने एक मैसेज भेजा, मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको, आई नो आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस तरीके से कोई भी कॉल आता है प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता तो आप जाके ब्रांच पे मिले, ये वो सारा कुछ कर ले, बट इस तरीके से कॉल पे किसी का ओटीपी तो मत ही शेयर कीजिए। और मेरे साथ ये ओटीपी नहीं मांग रहा था, घुमा फिरा के क्या मांग रहा था, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा सारा, आपको पता चल जाएगा। और मेरा मूड ही ख़राब हो गया, क्या बताऊँ मैं, वीडियो में ना 1-2 दिन अब डिले आएगा, बट क्या बताऊँ सर, मेरा दुख रहा है, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ जा रहा है सर। तो केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं नंबर को? नहीं सर, नंबर को तो चालू ही रखना चाहते हैं जी। बिल्कुल सर, तो आपको केवाईसी अपडेट के लिए मैसेज मिला था सर, तो मैसेज का कोई रिप्लाई आपने नहीं दिए थे ना सर, इसके वजह से आपका नंबर ही बंद किया गया है। मैसेज के लिए रिप्लाई दिया गया था मतलब? आपको मैसेज आपको मिला था केवाईसी अपडेट का, तो आपने कोई नोटिफिकेशन उसके मैसेज का कोई एक्शन आपने नहीं लिया सर, इसके वजह से आपको केवाईसी सस्पेंड कर दिया गया है, समझे? नहीं तो फिर हम केवाईसी सस्पेंस क्या, फिर उसमें हम रिचार्ज करवा देंगे सर। रिचार्ज का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये रिचार्ज का अलग मैटर है सर, आपको रिचार्ज का अलग मैटर है, केवाईसी का अलग मैटर है ना। अच्छा, आप बोल कहाँ से रहे? मैं हेड ऑफिस कॉल सेंटर मेन ब्रांच से, मुजफ्फरपुर। अच्छा, इसका मुजफ्फरपुर में ब्रांच है जी। तो हमको इसको लिए करना क्या पड़ेगा? आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको मैसेज देखने आता है मैसेज? मैसेज किस पे? आपके फोन में? हाँ, पर किस पे, मतलब व्हाट्सएप पे या? नहीं, मैसेज टेक्स्ट मैसेज जो होता है ना। हाँ, उसमें देखिए कोई केवाईसी अपडेट का मैसेज मिला अभी? केवाईसी हाँ, जियो का तो एक मैसेज है योर प्लान, लेकिन लिखा हुआ एक्सपायर वगैरह। नहीं, अभी जस्ट मिला होगा अभी आपका। अच्छा, ये एक व्हाट्सएप बिजनेस का कुछ मैसेज आया हुआ। हाँ, उसी प्रकार मिला होगा जो व्हाट्सएप पे आपको केवाईसी नोटिफिकेशन मिलेगा ना जी। तो उसमें देखो 6 अंक का नंबर है केवाईसी अपडेट का। नहीं सर, तो फिर वो आपको नंबर हम क्यों बताए, क्योंकि ये तो फिर कुछ अलग ही नंबर से दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो है 57 59 कुछ दिखा रहा है, यहाँ तो जियो का कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ तो उसमें नहीं दिखेगा सर, उसमें आपको व्हाट्सएप पे मतलब केवाईसी फॉर्म मिलेगा आपको।
नहीं नहीं ऐसा कहाँ है, व्हाट्सएप पे भी तो है जियो का, लेकिन वहां पे तो एक अलग ही आता है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ व्हाट्सएप में पे, केवाईसी, सुनिए सुनिए, केवाईसी जब अपडेट होगा ना तो ये व्हाट्सएप पे आपको ऑटोमेटिक केवाईसी लिंक मिलेगा आपको। अरे मिलेगा, बट माई जियो का ऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप है तो उसमें खुद ही मैसेज आता है, उसमें कुछ करना होता तो आप अलग से बता रहे हैं, तो अलग से हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं दे सकते हो नहीं तो फिर आप लोग क्या करते हैं अभी, सही तो बताइए आप लोग, लेकिन हमको यहाँ पे जो भी आता है सर, वो ऑफिशियल वाले से आता है। ऑनलाइन सुनिए, ऑनलाइन केवाईसी इसी प्रकार होता है, ठीक है? आपको करनी है केवाईसी या नहीं करनी है अलग बात है, ओके? नहीं आप लोग फ्रॉड कर रहे हो हमको यहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे माई जियो ऐप है उसमें वेरीफाई लोगो लगा हुआ है तो उसी से मैसेज आता है। आप व्हाट्सएप बिजनेस का मैसेज भेज रहे हैं, उसमें भी कोड वगैरह मांग रहे हैं, और ऐसा थोड़े होता है कि रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो फिर से केवाईसी करना पड़ता है। मतलब आप लोग कॉल करके मतलब फ्रॉड करते हैं, यही ना? आपको जो समझ में आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत जो नहीं समझ में बात। आने का क्या बात है, मतलब आप लोग मुझे एक वेरीफाई कोड भेज चुके हैं, अब उसको आप हमसे मांग रहे हैं, ये भी व्हाट्सएप बिजनेस का कुछ है, और उसके बाद आप कोड मांग रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। तो आपका नंबर ये बंद कर दें, आपसे बंद करने की क्षमता है आपको? ये सब मत बोलो, तुम चैलेंज करना चाहते हो क्या? हाँ अगर आप बंद करवा सकते हैं ना तो आप करवा सकते हैं। तो मैं 5 मिनट में आपका नंबर ये बंद कर दें, अरे बोलिए तो पांच पहले। मिनट में कि आप 1 मिनट में करिए ना, लेकिन अच्छा ठीक है, तो आपका 5 मिनट औकात हम देख लेंगे, अभी आपकी हम लाइने पर हम हैं, आप बंद कीजिए। वो तुम मुझे मत बताओ ठीक है। आपका माई जियो से मैं पूरा आपको बाई डेटा मैं आपको निकालूंगा ठीक है, और कस्टमर केयर को अभी मैं फोन करके और पूरा जानकारी उसको बताऊंगा आपको ठीक तो है, जो आप ही करो ना, जानकारी। तुम अभी करो ना, अभी हम लाइने पर है, तुम करो अभी जो करना है, तुम्हें लाइन पर रख के मैं क्यों करूँ? तुम करो ना, तुम्हारा औकात देखना है हमको। तुम जियो का अरे तुम निकाल रहे हो, तुम देखो, फ्रॉड कर रहे हो आदमी को, जो साले तुम लोग पागल बनाते हो। तो तुम देखो तो पहले फ्रॉड हो रहा है क्या हो रहा है, तुम देख तो पहले। सुनो तुम गाली मत यूज करो ठीक है, गाली देना हमको भी आता है, पता है ना तुम? गाइज तो ये बंदा जो है गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उधर से ये इसने जो है कॉल को कट कर दिया, और मैं बस आपको अलर्ट करने के लिए मैं इसको कॉल को जो है रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि कभी कभी कॉल आते रहता है, बट आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था, सोचा मैं आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, किसी का बैंक से पैसा ये हो जा रहा है, किसी का ये सारा कुछ तो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। तो कभी भी आपको इस तरीके से कॉल वगैरह आता है आप उसको अवॉइड कीजिए, आपको धमकी देगा कि आपका सिम बंद हो जाएगा, आपका वो बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो इस तरीके के बात में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग ना मतलब आपका आवाज़ सुन के ना मतलब ये समझ जाता है कि ये किस तरीके से बिहेव करने वाला है। और मैं जानबूझ के थोड़ा सा पागल की तरह बात कर रहा था, नुबरा की तरह बात कर रहा था, ताकि मैं देखना चाह रहा था कि वो किस तरीके से आदमी को जो ये फंसाता था। तो मेरे साथ आज ही इसने ऐसा कॉल करके करा, बट आप लोग के साथ अभी कभी ऐसा कर दे तो बुरा लगेगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, कि लोग थोड़ा सा अलर्ट रहे, और इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।